से अनुसार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के जंगलात में राम राज्य की स्थापना हो गई हो तो बड़ी बात है, लेकिन शिकार की लगातार घटनाएं हुई हैं और दिसंबर तक उदयपुर के सलूम्बर में, प्रतापगढ़ में, भरतपुर में और सरिस्का में फंदे में टाइगर ST-11 की मौत भी हो गई थी। मेरा निवेदन यह कि वन कर्मियों की कमी के कारण ये सब घटनाएं हुई, तो मेरा प्रश्न है कि वन कर्मियों की कमी पूर्ति होमगार्ड और बॉर्डर होमगार्ड के जवानों से करनी पड़ रही है। इन रिक्तियों को भरने और वर्तमान में वन्य जीवों की सुरक्षा में फील्ड में तैनात कार्मिकों की संख्या में पर्याप्त आवश्यक आधुनिक संसाधन सहित इनको उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की क्या मंशा है? क्या कोर्ट ने कोई इस संबंध में आदेश दिए हैं क्या? माननीय अध्यक्ष जी, रणथंभौर बाघ परियोजना में कुल 345 कर्मियों के अगेंस्ट में 175 फॉरेस्ट के कर्मचारी और 64 STPF के स्टाफ, 110 होमगार्ड्स और 22 बॉर्डर होमगार्ड, ये मतलब 345 अगस्त में 371 कर्मचारी रणथंभौर में कार्यरत है। जहाँ तक सरिस्का का मामला है, वहाँ टोटल 281 पोस्ट हैं और उसके अगस्त में 178 फॉरेस्ट के कर्मचारी अधिकारी और 110 बॉर्डर होमगार्ड के, 70 अलवर से प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड के 178 लगे हुए हैं। टोटल जगह हैं 281, उसके अगेंस्ट में 346 लगे हुए हैं, मतलब ज़्यादा लगे हुए, कम नहीं लगे। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जो पूछा था उसके हिसाब से आपका जवाब नहीं है। क्या यह सही कि प्रदेश में नेशनल पार्क एवं टाइगर रिजर्व में विगत 2 वर्षों में शिकार की घटनाओं वृद्धि हुई? इसका तो दे दिया कि वृद्धि नहीं हुई, ये तो समझ में आ गया। इसके आगे लिखा तो जनवरी 19 से जनवरी 21 तक प्रदेश में कहाँ कहाँ कब कब शिकार के मामले सरकार के ध्यान में आए, बताओ तो सही, तब तो पता वृद्धि हुई कि नहीं हुई पता लगेगा। माननीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे, आपके अध्यक्ष, इनको तो बोलने का मौका दो इनको। अरे माननीय मंत्री, आपको क्या है अभी बोल रहे थे आप? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इसमें वन्य जीव भरतपुर, स्वाईमाधोपुर, रणथंभौर, बागपुर, अलवर और कोटा, इसमें मान्य प्रतिनिधि नेता से कहना चाहूँगा, 17-18 में शिकार घटना हुई थी 55, 18-19 में हुई है 48 और 19-20 में हुई है 41, ये चार्ट है, कमी है, कमी आई है। मैं जो जवाब भेजा है ना माननीय मंत्री जी, मैं ये चीज, प्रश्न के दो भाग हैं, एक भाग का तो जवाब दे दिया, दूसरा भाग जो पूछ रहे हैं कि जनवरी 2019 से 2021 तक कहाँ कहाँ कब कब घटना हुई, उसके बारे में उत्तर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है ये। मतलब मेरा प्रश्न ये कि जो उत्तर दिया है उसमें आधा पार्ट का उत्तर नहीं है। जी इसमें बोल रहा हूँ सर, सुन तो लो, इसमें साहब जनवरी 19 से 21 तक 2 घटनाएं भरतपुर में घटित हुई, 2 हुई स्वाई रणथंभौर, 16 घटनाएं, 2 घटनाएं रणथंभौर करौली परियोजना में, 13 घटनाएं अलवर बाघ परियोजना में और 10 घटनाएं कोटा में, कुल 41 घटनाएं हुई है। सतीश जी पूछना कुछ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने परिशिष्ट 6 के बिंदु 1 में कुछ सिस्टम की स्थापना के बारे में बताया है, मेरा प्रश्न है कि इस सिस्टम पर कुल कितनी राशि व्यय और कहां पर यह सिस्टम स्थापित किया गया है और इस सिस्टम से कितने किलोमीटर तक निगरानी की जा सकती है, क्या इसमें पूरे किसी एक जंगल को कवर किया गया है? रणथंभौर के अंदर और सरिस्का में दोनों जगह हाई लेवल इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा कैमरे लगे हुए हैं और ऑटोमेटिक कैमरे हैं, उनका कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जा रहा है। दोनों अभयारण्य दोनों में कैमरे लगे हुए हैं और जो बाकी हमने घटनाओं की शिकार की रोकथाम के लिए हमने आपको ये सेपरेट लिख के दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे इस प्रश्न का प्रॉपर जवाब नहीं आया तो मैं चाहूँगा आप इसकी अलग से चर्चा करेंगे, तो महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन एक तीसरा जो मेरा प्रश्न इसमें है कि
आपने बिंदु संख्या 8 में फिर बताया परिशिष्ट 6 में कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दीवार निर्माण, चैनलिंग, फेंसिंग के काम किए हैं, लेकिन इसमें कई जगह ऐसे स्थान हैं जहाँ सुरक्षा दीवार है न चैनलिंग फेंसिंग है और असामाजिक तत्व अनेक बार उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इसकी प्रभावी रोकथाम के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है क्या? जहाँ जहाँ रणथंभौर में सरिस्का में जो आबादी बसी हुई है माननीय अध्यक्ष जी, उस जगह बाकायदा दीवार कर रखी है, फेंसिंग कर रखी है। आपको पर्टिकुलर स्थान बता दें, वहाँ कर देंगे। बाकी जो आपने सवाल पूछा है एक शिकार घटना को लेकर, दूसरा जो पूछा है मतलब सुरक्षा के लिए, तमाम व्यवस्थित जवाब आपको दिया गया है। अगला प्रश्न श्री कन्हैयालाल। प्रश्न संख्या 245। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1। जी हाँ, मापदंडों का विवरण परिशिष्ट 1 पर प्रस्तुत है। प्रश्न का खंड 2। विधानसभा क्षेत्र मालपुरा में विगत 2 वर्षों में विभिन्न योजनांतर्गत बनाई गई नवीन सड़कों पर 6,56,16,000 रुपये व्यय कर 41 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया गया है। विवरण परिशिष्ट 2 पर प्रस्तुत है तथा विभिन्न योजनांतर्गत 39,77,62,000 का व्यय कर 180.72 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया गया है। परिशिष्ट 3 पर प्रस्तुत है। नंबर 3, विधानसभा क्षेत्र मालपुरा में विगत 2 वर्षों में मिसिंग लिंक योजनांतर्गत कोई सड़क स्वीकृत नहीं की गई है। खंड 4, विधानसभा क्षेत्र मालपुरा में शुभदंड टोपा से पथराज के मध्य डामर सड़क अन्य जिला सड़क 14 पूर्व में निर्मित है। इस सड़क की